हेलो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि नीट का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ होगा। जिनका अच्छा नहीं भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखो उससे। और या तो आप जीत सकते हो या तो आप सीख सकते हो, ये दो ही कहानी है, दो ही पहलू होता है ज़िंदगी का। तो मैं तो काफ़ी लेट आया है ना, क्योंकि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है कि इंडिया का फर्स्ट टेस्ट आंसर की निकालना है, ये करना वो करना। मैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप लोगों के साथ हमेशा रहता हूँ और आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। देखो, छोटा सा वीडियो है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। वो 3 घंटा या 3 घंटा 20 मिनट जो भी रहे, चाहे वो जेई का हो, क्योंकि जैसे ये मैंने क्वेश्चन एक लिया है आपका नीट का ही, ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाना कोई बहादुरी नहीं है। क्योंकि देखो, ये बहुत ही एक सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है। अगर कोई 9-10 लेवल में भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता है, प्लस 2 लेवल का चीज़ है, तो उसके लिए बहुत ही आसान है, कोई बहादुरी नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ फीडबैक आया था कि सर बहुत ही, जैसे बोला था ना, बहुत दिन के पेपर ले दिया, केमिस्ट्री का पेपर अगर मैं सही से बोलूँ और आप लोग में से कोई अगर नाराज़ नहीं हो जाओ, तो ये हर साल की तरह मतलब इजिएस्ट ऑफ द लॉट है। ठीक है, हर साल की तरह, हर साल की तरह कोई चेंजेस नहीं है केमिस्ट्री में। आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपका जो पैटर्न है वो बेसिकली जो नॉर्मल आना चाहिए वही रहता है। हम लोगों ने तो स्टडी मटेरियल में लास्ट 12-13 साल से वही एजर्सन रीजन, या फिर 14 साल से आप पकड़ सकते हो कि एजर्सन रीजन, जब से हम लोगों ने स्टडी मटेरियल पब्लिश किया है या स्टडी मटेरियल में बच्चे लोगों को इतना सारा एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, मतलब उसमें से हमेशा एजर्सन रीजन का, यानी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, जो कि एम्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था, वो तो हम लोग हमेशा देते हैं। कोई नया बात नहीं है, ये पैटर्न भी कोई नया नहीं है। जितना भी मॉक टेस्ट मैंने बच्चे लोगों का लिया, शायद और भी बहुत जगह बहुत लोगों ने लिया है, लेकिन मैं मेरा ही बात कह सकता हूँ कि जो भी हम लोगों ने अपने तरफ से लिया है उसमें हमेशा हम लोग एजर्सन रीजन भी करते थे। ठीक है, प्रैक्टिस आपको हर तरीके का क्वेश्चन हमेशा करना है। आप नीट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आप इंतजार नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं। देखो, आप सोच सको तो पोलर मैचिंग भी आपका आ रहा है ना, आपका एजर्सन रीजन भी आ रहा है। एक आप खाली ये समझ लो कि जो आपका ऑप्शंस जो है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट वाला या मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस जो है, खाली वो छोड़ के अगर देखा जाए तो सभी आ रहे हैं, तो वो भी आपको जानकारी में रखना चाहिए। क्योंकि इस बार तो नीट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कंट्रोवर्सी है बेसिकली, जिसमें जो कि मैं कभी नहीं सपोर्ट करता कि आपको एक पेपर आप बना रहे हो तो आप कितना ज़्यादा लापरवाह हो के, या लापरवाही आप ले रहे हो कि इसमें आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन में आपको गलती नज़र आ रहा है, कंट्रोवर्सी नज़र आ रहा है, तो उसके बाद आप कहोगे कि नहीं यही आंसर करेक्ट है, लेकिन जो भी एडुकेटर्स है वो कह रहे हैं कि वो ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सीज को हमेशा एसाइड रखना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आप सभी लोग को पता है, जो कि डेटा में गलती था, ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं बोलता है, ये कोई नहीं बोलेगा कि वो क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किया होगा, किसी को लगता है कि मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सही है तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, चाहे वो 15 में से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करने वाला सेक्शन भी ही क्यों ना हो, कोई भी सेक्शन हो। भाई, मेरे को चाहिए कि मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ जल्द से जल्द, तो मैं कर लूंगा। लेकिन जब करने जाएंगे और उसके बाद अगर देखेंगे कि नहीं मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, तो झट से कोई ये डाउट नहीं करता है कि एनटीए ने पेपर में कुछ गलत दिया या उसके पेपर में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 1.05 को उन लोगों ने 10.5 दे दिया, ये कोई नहीं कहता है कि वो करने में मेरा 1 मिनट गया। मान के चलो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, 1 मिनट गया, फिर मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो सब समय वो लोग हमेशा ये सोचता है कि नहीं मैंने कुछ गलती किया, क्योंकि दे आर स्टूडेंट्स, उसको हमेशा यही लगेगा कि मैंने कुछ गलती किया है इसलिए आंसर नहीं आ रहा, तो फिर वो थोड़ा बहुत उसको देखने जाएगा। तो ये चीज मैं दरखास्त करूंगा एनटीए से या जो भी क्वेश्चन पेपर मेकिंग अथॉरिटीज रहते हैं कि भाई साहब, आप लोग, हम लोग मॉक टेस्ट के पेपर बनाते हैं, उसमें 5 बार 6 बार हम लोग फिल्टर करते हैं उसको कि कहीं ना कुछ गलत हो जाए। नॉर्मल मॉक टेस्ट का पेपर होता है इंस्टीट्यूट में, जो हम लोग एग्जाम लेते हैं, ऑनलाइन में लेते हैं, ऑफलाइन में लेते हैं, हम लोग स्टडी मटेरियल बना के देते हैं, इतने एक एक पैकेज में 27, 28, 30 बुक रहता है, जहाँ पर हम लोग 18,500, 19,000, 20,000 एमसीक्यू डालते हैं हर तरफ से, वहाँ हम लोग बार बार रेक्टिफाई करते हैं। और आप एक नेशनल लेवल की एग्जाम ले रहे हो और आप उसको चेक नहीं करोगे कि क्यों गलती होगा आपसे, तो ये चीज़ आपको, और यहाँ बच्चे से कोई गलती हो जाए तो आप लोग उनको मतलब कोई मौका नहीं देते हो,
ठीक है। तो चलो ये सब कॉन्ट्रोवर्सीज को साइड रख के मैं आपको ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताऊं। ये क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आया कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर लेंदी पेपर हो गए। तो लेंदी तो था ही नहीं बेटा, क्योंकि आपको अगर प्रिपरेशन आपका सही हो, और केवल केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं होगा, उसको टेक्निक जानना पड़ेगा। अगर वो आप जान सकते हो, जान चुके हो या जान सकते हो, या आपको जानने का इच्छा है, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली ये सब क्वेश्चन जो है ये 20 सेकंड के अंदर बन जाता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये सिंपल एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें बोला गया है कि एक रिएक्शन हो रहा है 3O2 से 2O3, 298 केल्विन में, 298 केल्विन में हो रहा है। उसका केसी का वैल्यू दिया हुआ है, एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा दिखने में एब्सर्ड लग रहा है, ठीक है, 3×10⁻¹ है, और वो लोग O2 का भी वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अगर मैंने वैल्यू ठीक ठाक उठाया है तो यही है, और बोला गया है कि भैया O3 का आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा ऑप्शन है, ठीक है। तो बहुत जन ये कह रहा था कि सर ये जो है ना थोड़ा सा लेंदी है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, बेटा इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। ठीक है, देखो टेक्निक इसका कैसा होता है वो समझो थोड़ा सा। देखो कैसे करना होता है, आप पहले क्वेश्चन को घबरा जाओगे, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस सही से नहीं किया। पहले मैं इसको बिना लिखे यहाँ पर सिंपली आपको दिखाता हूँ कि 3O2 से O3 अगर है तो बेटा इसका केसी क्या आ जाएगा। इसका केसी आ जाएगा O3 का स्क्वायर, है ना जी, डिवाइडेड बाय O2 का होल क्यूब। तो आधा जन तो यहीं पर घबरा गया कि क्यूब कैसे करेंगे, स्क्वायर कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो अब आपको यहाँ पर O3 निकालना है, तो भैया O3 को रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। O2 का होल क्यूब, ठीक है, तो 0.04 का होल क्यूब आना चाहिए, ठीक है, 0.04 का होल क्यूब आना चाहिए। तो बेटा O3 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको डायरेक्टली करूँ, ये अंदर में कितना है, 4×10⁻², उसका क्यूब हो जाएगा, यानी 64×10⁻⁶, है ना, 4×10⁻², 10⁻⁶ हो गया। और केसी क्या हो गया भैया, केसी हो गया आपका 3×10⁻¹, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां से कैलकुलेशन मेनली स्टार्ट होता है। अब आपको करना क्या है, आपको यहां पर ये करना है कि इसका स्क्वायर दिया हुआ है, आपको वहां से क्यूब रूट निकालना है। तो बहुत जन को ये डाउट हो रहा है कि इसका क्यूब, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो 64 है यहाँ पर, उसको रहने दो, क्योंकि आपको पता है 64 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। 3 को रहने दो, हालांकि 3 का वैल्यू ऐसे ही 1.732 होता है, ये लगभग सबको पता होता है, √2 √3 जनरली सबको याद रहता है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा काम करेंगे, ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये 10⁻¹ होगा। 65 का डायरेक्ट कोई आपका स्क्वायर रूट आएगा नहीं, तो इसको इवन नंबर पे ले जाना पड़ेगा। तो देखो इसका सिंपल टेक्निक क्या है, इसको आप 64 लगा दो, इसको आप 30 कर दो, सुविधा होगा आपका, और इसको आप 10⁻¹ करो, सिंपल। अब ध्यान से देखिए, अब अगर हम यहां से O3 का वैल्यू निकाले तो वो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 8 रहने दीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा √30, ये कितना आ जाएगा 10⁻³। एक तो दिमाग में आपका घुस गया कि इसका जो भी आंसर आएगा वो −10⁻⁻ पे जाएगा, तो भैया पहले आप इसको काट दो, ये नहीं हो सकता, पहले आप इसको काट दो, ये नहीं हो सकता। अभी जो जो भी थोड़ा बहुत सोच विचार है वो इसमें करना है और इसमें करना है। ठीक, अब सोच के देखिए, ये जो आंसर है इसमें 10⁻⁶ है, कहीं से भी कोई एंगल से आपको लग रहा है कि √30 करेंगे तो क्या ये वैल्यू 10⁻³ तक, मतलब −63 तक ले जा सकता है। √30 क्या होगा, √5 स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 6 स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, तो ये वैल्यू उसके मतलब 5 और 6 के बीच का एक वैल्यू है, राइट। तो जो कि आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×8 कितना होता है, 40, तो ये 40 के कुछ ऊपर जा रहा है, मतलब अगर हम इसको 10⁻³ करें तो ये 43 पॉइंट समथिंग में जाएगा, यानी साफ साफ दिख रहा है कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट। आपको यहां तक सोचना भी नहीं है, बस पावर देखो, पावर में आपको आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप सिंपल से देख सकते हो कि ये वाला आपका क्लियर कट आंसर है, ये भी आपका आंसर नहीं है। तो इसमें कैलकुलेशन है कहां भी, ये बताओ मुझे। काफी जन ने ये बोला था कि इसमें कैलकुलेशन है, मतलब नॉट ओनली माय ओन स्टूडेंट्स, जो भी हर बच्चा, हर स्टूडेंट मेरा ही स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट सबका स्टूडेंट होता है, कोई स्टूडेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन काफी जगह से मुझे दिख रहा था कि इसमें एक प्रॉब्लम बहुत जन को फेस करना पड़ा, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें।
तो ऐसी छोटी छोटी चीज को याद रखो। केमिस्ट्री में आपको कोई भी चीज का तैयारी करोगे तो हर चीज उसमें आपको जानना पड़ेगा, चाहे कैलकुलेशन हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे बेसिक नॉलेज हो। दैट्स व्हाई यू पीपल आर टेकिंग द प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो इस पेपर में हम लोग शॉर्टकट से ला सकते हैं, जेईई मेन का भी लाएंगे, वो आपके साथ बहुत जल्दी हम शेयर करेंगे रेगुलरली। थैंक यू।